माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे संविधान 128 संशोधन बिल पर बात करने के लिए इजाजत दी। मैं इसके समर्थन में ही खड़ा हूं और ये बिल को संपूर्ण सपोर्ट करता हूं मेरे दिल से, और मेरी पार्टी और इधर के सभी लोग, इंडिया के सभी लोग हार्टिली इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा दो दिन पहले ही मालूम हुआ ये बिल आने वाला है। कैसा सर? 4 सितंबर 2023 को आपने जयपुर में कहा था, 4 सितंबर को क्या कहा था? वो दिन दूर नहीं जब संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये आप तय किए थे कि आपको मालूम भी हो गया था, और इसका प्रचार आप वहां जयपुर में कर दिए, तो अब इससे बड़ी बात क्या है कि अगर सरकार का ही हमारे सभापति जी अगर बोले तो हमको भी लगा कि ये बिल आने वाला है। लेकिन मैं ये चाहता था कि महिला मेंबर्स बोलने दो, उधर इधर के सभी कोई भी पार्टी के हो, इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें बोलने के लिए आपको प्रेशराइज नहीं किया, थोड़े से शब्दों में बोलूँ। लेकिन जब उत्तर देखा, मैं नियरली एक 50 मिनट यहाँ पर मुझे फाइनेंस मिनिस्टर का रिप्लाई सुनने को मिला, तब मैंने ये सोचा आपके स्पेशल परमिशन लेके मुझे भी थोड़ा वक्त दीजिए ताकि मैं कुछ शब्द आपके सामने रखूं। सर, प्लीज लिसन टू द लीडर ऑफ द अपोजिशन। सर, मैं इससे द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर वाज हर्ड विद रैप्ट अटेंशन। सर प्लीज, सर मैं एक कविता से शुरू करता हूं। सर, आपकी कविता बड़ी गंभीर होती है। नहीं, मेरे यहाँ आने से पहले आपने ऐसी कविता पढ़ दी नहीं, कि नहीं, पूरे देश में मेरे को लोग पूछने लगे। नहीं नहीं, आपके लिए ऐसा मौसम आएगा सदा सताएगा। नहीं, मैं आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, किसी के लिए, ये इस बिल के ऊपर ही बोलूंगा। ठीक है। कोमल है तू कमजोर नहीं महिला, कोमल है तू कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सतियों के नाम पे तुझे जलाया गया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया गया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा भी हुई, जग में अब तक जारी है, जग में अब तक ये सारी चीजें जारी है। बहुत हो चुका अब मत सहना, बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। तो इसीलिए इस शक्ति को और हम बढ़ावा दे रहे हैं, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और सभी सपोर्ट में सभी ने बात किया। सर, मैं बहुत से पहले से बहुत आंकड़े भी लाया था, लेकिन समय की कमी रहने से मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो अचीवमेंट बताया, अपने क्या क्या अचीवमेंट हो गए, वहाँ पर होम मिनिस्टर बताए वहाँ पर अपने लोकसभा में, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बताए, लेकिन हमने क्या किया वो भी मैं बताना चाहता था, लेकिन मैं वो नहीं चाहता, क्योंकि ये बिल स्पेशल है, महिलाओं के लिए है, स्त्री शक्ति के लिए है, इसीलिए इसमें मैं डेवलपमेंट लाकर मिक्स करके उसको खराब करना नहीं चाहता था।
क्योंकि बात किधर की हो रही है और बिल के ऊपर होना चाहिए और जल्दी पास होता था, लेकिन उन्होंने ये किया, गैस दिया, रोड दिया, फलाना, सब चीजें आ गई। अब ठीक है, उनको बोलना था वो बोल सकते हैं, लेकिन सभापति महोदय जी, मेरे को एक ऑब्जेक्शन इसमें है। इस बिल का क्लॉज 5 कहता है कि आरक्षण तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। इस बिल का क्लॉज 5 कहता है कि आरक्षण तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। डिलिमिटेशन भी जनगणना प्रक्रिया के पूरे होने के बाद कराई जाएगी। डिलिमिटेशन भी जनगणना प्रक्रिया के पूरे होने के बाद कराई जाएगी, मतलब महिला आरक्षण से पहले 2 अनिवार्य शर्त रखी गई है। 1 जनगणना है, 2 डिलिमिटेशन है। ये होने तक तो ये इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। और आप इतने क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो आपने एक फेंक दिया कि चलो ये चलने दो। मैं ये नहीं कहता, जैसा कि होम मिनिस्टर साहब एक बार बोले थे, 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये सब कुछ बोले थे। फिर बाद में उनको पूछा गया, कहाँ है हमारे 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ है हमारा 15 लाख। तब मैंने पेपर में पढ़ा, अगर आपको सबको भी मालूम है, ये तो चुनावी जुमले हैं, ये उन्होंने कहा, मैं नहीं। तो ये भी ऐसा नहीं होना कि अब बिल तो इंट्रोड्यूस हो गया, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पास होगा, फिर जुमला नहीं होना ये भी। तो मैं ये चाहता हूँ इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सभी आपको अनकंडीशनली सभी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं। और दूसरी चीज, सवाल ये है, महिला आरक्षण को जनगणना और डिलिमिटेशन से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप कर सकते हैं अगर, क्योंकि बहुत से चीजें अगर हम अपोज भी किए तो बिल पास हो गए। यहाँ पर आपको मालूम है, लेबर बिल्स पूरा पास हो गए, किसान बिल पूरे पास हो गए, 750 लोग मर चुके वहां पर, बॉर्डर पे रहे बैठे हुए थे। लेकिन नहीं, किसान बोले तो एक दिन में नहीं बोल रहा हूँ, जब वो बैठे थे 1-2 साल बैठे थे हर जगह, उसका बोल रहा हूँ। सब्जेक्ट तो इतना रहने के बावजूद भी आपने वो किसान बिल तो पास किया, तो इसको भी ऐसा करना चाहिए था। हमको पूछ रहे ना, आप क्यों नहीं करे, फिर आप क्यों नहीं करे 10 साल से। मैं पूछता हूं, अगर आप ये कर सकते हैं, दूसरे कानून 1 साल में नोटबंदी कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते? वो भी रात के 8 बजे बोलते हैं आप, क्या कहते हैं, भाइयों और बहनों सुनिए, कल से 8 बजे ये जो 1,500 का क्या नोट नहीं चलेगा, रद्दी हो जाएगा, लीगल टेंडर नहीं होगा। अब तो उसको आपने कहा, आपने ये तो कहा, ऐसे बड़े बड़े काम कर सकते लेकिन ये बिल सब मान रहे, इसको कोई अपोजिशन नहीं था, तो आप ये ला सकते थे, तो आपने इसको लाने की कोशिश नहीं की। और दूसरी चीज, इस देखिए अर्बन बॉडीज में रिजर्वेशन है, जिला पंचायत में रिजर्वेशन है, तालुका पंचायत में रिजर्वेशन है। अभी एग्जिस्टिंग जितने मेंबर्स हैं, नंबर्स हैं, उसी पे करिए। जब बढ़ जाएगा, सेंसस आएगा, फिर मेंबर्स भी बढ़ेंगे, उसके साथ साथ महिला का नंबर भी बढ़ेगा। क्या आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि
जब आपसे ये पुराने नहीं नहीं पुराने पार्लियामेंट हाउस से नए पार्लियामेंट हाउस लाए, लाने के बावजूद भी, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि इस नए हाउस में नया बिल महिला के लिए हम लाएंगे, ये सब बोले, तो मैं कहूंगा कि आप ये कर सकते थे वहीं पर, लेकिन ये हुआ नहीं। इसके बाद में दूसरी चीज ये जो है, इसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन नहीं है। ये तो एससी एसटी के आंकड़े हैं, उसके अनुसार अगर 100 सीट है उसमें से 110 या 30 सीट है एससी एसटी का, 1/3 इजीली आप कर देंगे, या रोटेशन में कर सकते हो तो कर सकते किसी और तरीके से। लेकिन ओबीसी मोर देन 60% लोग हैं, उनके महिलाओं को कहाँ मिलेगा आप बोलिए? उनके महिलाओं को अगर मिलना है तो संविधान अमेंडमेंट करके या इसमें उसको अमेंडमेंट में ला के ही उनको दे सकते हैं। तो अभी दोनों हो गए हैं, तो उसमें आप वो करना चाहिए, लेकिन आप वो छोड़ दिए तो बाकी यूं ही, तो अब क्या होगा जनरल में सिर्फ महिला रिजर्वेशन में? मैं अपोज नहीं कर रहा हूं, मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन आप बैकवर्ड क्लासेस को क्यों छोड़ रहे हैं? उन महिलाओं को क्यों छोड़ रहे हैं? उन महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे? क्या उनको और पीछे ढकलना चाहते? क्या और उनको आपके साथ नहीं लेना चाहते? तो इसीलिए ये जरूरी है, इसीलिए तो हम इसी के ऊपर आपको प्रश्न भी पूछे और बात भी किए। और ये कब इम्प्लीमेंट होगा? क्या 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 6 साल में होगा, 8 साल में होगा? नहीं साहब, थोड़ा मेरे को थोड़ा तो कंसेशन दीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 मिनट के लिए कहा था सर। हाँ, तो ये नहीं, आपने 5 मिनट के लिए कहा था। 5 मिनट चलो साहब, अब अनदर 3 मिनट। नहीं साहब, 5 ऐसा बोल के मैं फिर 0 बोला था। सर सर, क्या आप 2 साल में करेंगे, 5 साल में करेंगे या 10 साल में? एक लिमिट आप बोले हैं, कब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आप तारीख बताइए, साल बताइए, क्योंकि कमिटमेंट है आपके पास, आपने ही बोला। अगर कमिटमेंट है तो हमको साल बताइए, महीना बताइए, डेट तो बताइए, कम से कम इस वक्त हम करेंगे, ये महीने में करेंगे। और नहीं तो क्या होगा, ये एक जुमला होगा। तो ये आपको जरूर सोचना है, और इस राष्ट्र निर्माण में हम लोग महिला को अगर आगे बढ़ाना है तो 75% लोग जो एससी एसटी और बैकवर्ड क्लास के मिलके हैं, इनको डिनाई करे जैसा होता है। अगर आप उधर ध्यान नहीं देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सभी इमोशनली बात करने से नहीं होता, आप प्रैक्टिकल करो ना। तो दूसरों को मत पूछिए आपने क्या किया, मैंने गलती किया, फिर आपने भी कर रहे क्या? मैं गलती का छोड़ो, मेरे को शिक्षा मिली, फिर आप क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ भाषण देना है क्या आपका काम? क्या कई गलती है तो उसको सुधारना है? आप बोल सकते ना। तो ये मेरे को ये कहना है, और आपको खास करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बिल में कमियाँ हैं, इसको आप, जैसा कि हमारे एक सदस्य ने कहा, भाई आज पास हो जाए, कम से कम विंटर सेशन में तो लाओ, सॉरी समर से, हाँ नेक्स्ट सेशन में लाइए, लाकर इसको दुरुस्त करिए और दे, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जैसा आज हाथ उठाए वैसा उस वक्त भी हाथ उठाएंगे, लेकिन लाइए। सिर्फ क्या है, हमारे पास बोलते हैं कर्णा में मूगी तुप्पा चतुर बोले तो, यानी सिर्फ ये क्या है, नाक को घी लगाए बोले तो, ये नहीं होना। बताना है
करना है, ऐसा ये ठीक नहीं है। क्या शाह साहब अगर चाहे होम मिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन वो बोले कि मैं जा रहा हूँ जी, उधर छोड़ दिया हम कुछ चले। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं साहब, जो लोग डिसीजन लेने वाले हैं यही लोग हैं, किसी मिनिस्टर को डिसीजन लेने का हक नहीं, इसीलिए पावर नहीं है, इसीलिए। अरे मुझे मालूम है किसके किसके पास क्या पावर है। प्लीज लेट अस कीप काम सर। मैं और एक बात आपसे कहूंगा, तो ये बहुत से चीजें हमारे बहुत नुक्ताचीनी हो गई 9 मई 2008 और कमिटी और फरवरी 2010, तो ये सभी हुआ। और उसके बाद में आपने कहा ये हमारे पास ये आरक्षण, ये बिल जो था इसको हराया गया कैसा, ये 9 मार्च 2010 को 186 वोटों के भारी बहुमत से पास हुआ था, लेकिन उसको बाद में लोकसभा में हार हो गई। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, अब यहाँ तो हारने का सवाल नहीं है, तो उसी लिए मैं कहूँगा कि आप ओबीसी को लाइए। और बहुत मैं नहीं, हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब हमको इतना टॉन्ट मार रहे थे कि तीन ही बैकवर्ड क्लास के लोग सेक्रेटरीज हैं, आप पीछे का लेके दिखिए। अब जब लोग वहां पर एससी एसटी के भी सेक्रेटरी भी नहीं बन सकते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं बनते, डिसीजन कैसा लेते, इवन ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे नहीं है, सब आरएसएस के लोगों को वहां लाके भर दिए हैं, और वहां पर भर के जो आता वो स्क्रूटनी करने के बाद वो फाइल आगे जाता है, और हर मिनिस्टर के पास एक आदमी बैठा हुआ रहता है खड़गे जी, आरएसएस से जुड़ा हुआ खड़गे जी। तो ये जो है ये अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि सेक्रेटरीट में एससी एसटी के लोग रहना, ओबीसी के लोग रहना, और इसमें आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ओबीसी को आप करना चाहिए, ये मैं कहूंगा। और एक ही मिनट ओके प्लीज प्लीज। सुषमा स्वराज जी तारीफ की थी कब, जिस दिन ये पहले की बिल आई थी, बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज जी ने इसकी तारीफ में कहा था, मैं खुश हूं कि ये बिल पेश कर दिया गया है, इसलिए भी खुश हूं कि ये राज्यसभा में पेश किया गया है, ये अब प्रभावहीन नहीं होगा, यानी लैप्स नहीं होगा, यानी उनके नेता भी हमारी तारीफ करते हैं, लेकिन आप सुबह से शाम तक 70 साल में क्या किया, 50 साल में क्या किया, सब क्या किया, हाँ, दुनिया को मालूम है, इसीलिए सर, थैंक यू सर। श्री अर्जुन राम मेघवाल फाइनेंस मिनिस्टर, ये कब, कौन से महीने में, कौन से साल में इम्प्लीमेंट होगा ये बता दीजिए, और ओबीसी को, ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन इसमें होगा या नहीं आज बताइए। थैंक यू, मैं इतना थैंक यू। अर्जुन राम जी प्लीज एक बार टेक योर सीट। मैं आप ही की इन्होंने बुलाया है, नहीं आप ही की तारीफ कर रहा था। मैं बैठिए सर, दो सेंटेंस है खत्म। महिला दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर रही। सर कविता बहुत पढ़ रहे हैं आजकल आप। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, जिस घर में उसके नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। तो इसलिए आप
ओबीसी का रिजर्वेशन फिक्स करो, तारीख फिक्स करो, बस इतना मैं कह के आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप कम से कम आप हंसे और हमको ये श्री ये भी दिया, उसी लिए थैंक यू वेरी मच।